So hi guys, we are going to solve today logarithms example. आज हम लोग logarithm examples बनाएंगे. हम लोग काफी सारे examples solve करेंगे. और इसके पहले मैंने logarithm के basics और उसके कुछ properties और जहाँ पे भी logarithm के जैसे हम लोग use करते हैं वो हमने बताया है. So you better check that out first and then see the videos क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे examples और सॉल्व करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज करूंगी जो कि मैंने उस सेशन में बता रखा है. तो आप वो जरूर देख ले पहले. और अभी ये मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ. फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, इफ लॉग ए फाइव लॉग बेस ए फाइव प्लस लॉग बेस ए 25 बेस ए 125 की वैल्यू 6 है. ये हमें 6 दे रखी है तो हमें पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. हमें ए की वैल्यू पता करनी है तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था. एक दो प्रॉपर्टीज मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि इसके सॉल्यूशन देख लेते कैसे सॉल्व होंगे ये. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी अगर बेस एन है, बेस सेम होनी चाहिए और ए प्लस लॉग बी करें या फिर मैं यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई डालू तो लॉग बेस एन एक्स प्लस लॉग बेस एन वाई इसकी अगर मैं करूं तो ये जो होती है ये होती है प्रोडक्ट में आ जाती है. ठीक है और ये मैंने दो टर्म्स के लिए लिखा है. ये कितने भी टर्म्स तक होंगे तो ये सेम रहती है, चेंज नहीं होगी. मतलब अगर लॉग एक्स वाई और जेड भी होगा तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड आ जाएगा जिसका सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करेंगे. तो देखते क्या होगा. तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बेस ए लिखेंगे 525 और 125 मल्टीप्लाई हो जाएगा पर ये मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि 25 है तो 25 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो क्या लिखूंगी, 5 × 5 मतलब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. और इसी तरह अगर 125 को करना हो तो फिर से हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा. मतलब सबसे पहले हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तो 25 आ गया, फिर 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया. मतलब 125 को हम लोग अल्टीमेटली लिख सकते हैं 5 का क्यूब. अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि अगर बेस ए हो और यहाँ पे एक्स का पावर एन हो, ठीक है, तो ये इक्वल्स टू होता है एन लॉग बेस ए और एक्स का, ये इसके इक्वल हो जाता है. ठीक है तो हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे. कैसे करेंगे, लॉग ए फाइव एज इट इज रहेगा प्लस मैं 25 के बदले, यहाँ 25 के बदले क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर. मतलब यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर प्लस लॉग ए 125 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 का क्यूब और ये इक्वल्स टू है 6. ये 6 इक्वल है, ये 60 नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं यहां लिख देती हूँ इक्वल्स टू 6. ये पूरा टर्म 6 इक्वल है, सिर्फ मैंने अभी इसको लिखा है, तोड़ा है बस. अब ये लॉग ए 5 तो एज इट इज रहेगा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहां लगाऊ तो ये 2 हमारी आगे आ जाएगी और फिर इसी प्रॉपर्टी को यहां लगाऊ तो 3 हमारी आगे आ जाएगी. अब ये लॉग ए फाइव और लॉग ए 5 है. मैं यहां पे अगर लॉग ए 5 को सम जेड मान लू, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, z प्लस 2z प्लस 3z इक्वल्स टू 6. 3, 3, 2, 5 और 1 यानी 6z की वैल्यू हमारे पास आ गई 6. अब यानी कि यहां से हमें क्या मिला कि z इज इक्वल्स टू 1, 6, 6, 6 को यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये 6, 6, 1 दे देगी, ये 1 आ गया हमारे पास. z क्या है, log a 5, इसका मतलब log a 5 की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 1. अब इसका मतलब क्या होता है कि a की हम कितनी पावर करें कि 5 आ जाए और हमें उसकी वैल्यू दी गई है 1, मतलब a की पावर हम 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा. इसका मतलब तो यही हुआ, log बेस a 5 का मतलब अगर 1 है, अगर हमें ये दिया हुआ रहता है अगर 2 और यहां पे 4 है तो 2 की हम कितनी पावर करेगी, 4 आ जाए तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, इसका मतलब इसका आंसर 2 हो जाता है. अल्टीमेटली हुआ क्या, इसके पावर में इसको लिखूंगी तो इसके इक्वल आ जाएगी, वही काम हमने यहाँ किया है. तो a की पावर 1 इज इक्वल्स टू 5 आ गई, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5. तो
तो यही हमारी आंसर हो जाएगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर एक्स, हमें एक्स के लिए वैल्यू निकालनी है बेसिकली। क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस 10, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3 9 इज इक्वल्स टू एक्स। हमें इसको इवेल्युएट करना है अल्टीमेटली, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लेके चलती हूं। हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग पीछे से भी सॉल्व करते हुए आ सकते हैं, हम लोग आगे से भी सॉल्व करते हुए जा सकते हैं। तो हम पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं आगे से सॉल्व करूंगी तो पहले इसके बदले अगर इसको हटाऊंगी इस लॉग को, तो हमें 10 टू दी पावर एक्स करनी पड़ेगी। क्योंकि होती क्या है कि अगर लॉग बेस ए एन इक्वल्स टू एक्स हो, तो एन की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक्स की पावर में ए। ये हमने पढ़ा था, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की डेफिनेशन ही यही होती है हमारी, तो ये होती है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 टू दी पावर एक्स, ठीक है, ये 10 टू दी पावर एक्स आ जाएगी। फिर इसको करोगे तो क्या आ जाएगी, 2 की पावर 10 की पावर एक्स, तो ये बहुत ज्यादा पावर 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 चलेगा। तो हम एक काम करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए हमें, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये मैंने एज इट इज रखा है, इसको भी एज इट इज रख देती हूँ। लॉग 2, लॉग 3 9, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू, मतलब अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं तो ये क्या है, लॉग 3 9, इसका मतलब 3 की मैं कितनी पावर करूंगी, आई रहा है 3 की पावर 2, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो यानी 3 की पावर 2 करूंगी तो 9 आ जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई, ठीक है, कितना छोटा हो गया एक की बार में। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहां पे क्या है, बेस 2 और यहां 2, मतलब ये ऐसा है log 2 और 2, मतलब 2 की पावर कितनी करूं कि 2 आ जाए, 2 की पावर कितनी करूं कि 2 आ जाए, 1, 2 की पावर 1 करूंगी तो ही 2 आएगा ना, ज्यादा कर दूंगी तो ज्यादा आ जाएगा, कम करूंगी तो भी नहीं आएगा, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1, 1 हो गई, समझ आ रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी x। अब log 10 1 इक्वल्स टू एक्स, अब ये क्या चीज है, ये मैंने प्रॉपर्टी में बताई थी आप लोगों को, प्रॉपर्टी में क्या बताई थी, अगर बेस हमारी कुछ भी हो और ये 1 हो, मतलब a की मैं कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए, ये मैंने प्रॉपर्टी में बताई थी कि बेस कुछ भी हो अगर उसकी पावर मैं 0 कर दूं तो वैल्यू क्या आती है, 1। मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 0। कितनी इजी थी, हमने बस पीछे से तोड़ना स्टार्ट किया, अगर आगे से तोड़ते तो भी सॉल्व होती, थोड़ी मुश्किल आती सॉल्व करने में, शायद कॉम्पेयर करने में मुश्किल आता, जो भी यू कैन ट्राई, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन चेक, आप मेरे को बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चेक करूंगी। श्योर, ये थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को देखते क्या है, तो हमने इसके जस्ट पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कि लॉग बेस ए और एक्स की पावर अगर एन हो तो इसको हम लिख देते एन लॉग ए और एक्स, ठीक है। तो हम इसी प्रॉपर्टीज का हर जगह पे यूज करेंगे, 3 है, 5 है, 2n-1 है, सबको हम आगे ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल काम है, पहली बार में हो जानी चाहिए, प्लस इसके बाद भी क्या आ जाएगी, प्लस 3 आ जाएगी बार या 5 आ जाएगी, और ये चलती जाएगी, कब तक चलती जाएगी, क्योंकि ये सीरीज, एक तरह से इसको हम सीरीज बोल सकते हैं कि ये चलती जा रही है, रुक कहां रही है, जाके 2n-1 तक, यहां हमें एन की वैल्यू नहीं बताएगी क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्स सॉरी 2n-1 बाहर आ जाएगी और लॉग एक्स एक्स हो जाएगी। अब इस लॉग को देखते हैं हम, सबसे पहले लॉग क्या बोला जा रहा है, एक्स की पावर में कितनी करूंगी एक्स आ जाए, एक्स की पावर में कितनी करूंगी ये एक्स आ जाए, ऑब्वियस बात है एक्स की पावर में 1 करूंगी तो एक्स आ जाएगा,
तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन, इसकी वैल्यू वन, तो आएगी क्या यहाँ पे, सिर्फ थ्री, सिर्फ फाइव, और ये चलती जाएगी कहां तक, टू एन माइनस वन तक। अब हमें यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है, क्या नोटिस करनी है, कि ये चलती रही है वन थ्री फाइव और ये चलती जा रही है, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ाया था जब हम लॉग की प्रॉपर्टीज और सब डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने एक एपी करके वर्ड पढ़ाया था जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वैसे सीरीज को देखते हैं, वैसे सीक्वेंस को देखते हैं, जैसे ए बी सी ऐसे चलते जा रहे हैं, पर ए और बी में हमें पहुंचने में जितनी दूरी लग रही है उतनी ही हमें बी से सी में पहुंचने में लग रही है। अगर यहां पे हम बात करें उसकी, तो वन से थ्री पहुंचने में हमें कितनी स्टेप्स लग रही है, टू स्टेप्स। थ्री से फाइव पहुंचने में हमें कितनी स्टेप्स लग रही है, अगेन टू स्टेप्स, मतलब वन से टू, टू से थ्री, दो स्टेप में पहुंच जा रहे हैं। बीच में सिर्फ एक ही नंबर है टू, यहाँ पे बीच में एक ही नंबर है फोर, यहाँ पे बीच में एक ही नंबर है सिक्स, और ये चलती जा रही है टू एन माइनस वन तक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारी सीरीज है ये हमें एपी में दी गई है, इसके टर्म्स जो है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इसमें मैंने बताया था कि ए क्या होती है, ए मतलब होती है, या ए वन लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट टर्म क्या है वन, और डी, डी मतलब होती है कॉमन रेशियो या फिर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम इसे। कॉमन डिफरेंस मतलब थ्री माइनस वन टू आ रही है, फाइव माइनस थ्री टू आ रही है, मतलब जितने स्टेप्स हमें पहुंचने में लगे, वन से थ्री पहुंचने में कितनी स्टेप्स लगी, टू स्टेप, तो इसलिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इसका सम भी पढ़ा था। सम क्या पढ़ा था कि अगर वन प्लस थ्री प्लस टू एन माइनस वन हो, तो यहाँ पे ये क्या है ए और ये क्या है एल, एल मतलब क्या हुआ कि ये क्या है लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो इसकी जो सम होती है वो क्या होती है, एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। अब यहां पे हमें निकालनी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू मतलब कि कितने टर्म्स तक चल रही है, तो यहां पे हम देखेंगे तो ये एन टर्म्स तक चल रही है, ये टोटल एन टर्म्स है। एन की वैल्यू जीरो, एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन, और एन की वैल्यू एन पुट करेंगे तो टू एन माइनस वन, ये टोटल एन टर्म्स है। तो अगर इसका सम मैं निकालू तो क्या आएगा, एन बाई टू और ए, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे वन, प्लस एल क्या है टू एन माइनस वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एन बाई टू वन प्लस टू एन माइनस वन, वन वन कट गई, एन इंटू टू एन डिवाइडेड बाई टू, ये कट गई, तो आंसर क्या आ गई, एन स्क्वायर, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर। कैसे वो मैं फिर से समझा देती हूँ। एक बार हमने सबसे पहले क्या किया, इस सबको तोड़ना स्टार्ट किया, तोड़ते तोड़ते क्या मिला, थ्री आ गया, आ गया फाइव, आ गया, आ गया टू एन माइनस वन, आगे आ गया, तो हम पहुंचे कहां पे, यहां पे। फिर हमने क्या किया कि लॉग एक्स एक्स की वैल्यू देखी हमने, वो क्या आ गई हमारे पास वन, तो ये सारे टर्म्स वन 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 हो गए, और वन से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ गया, तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस टू एन माइनस वन आ गया। अब हमें इसका सम निकालना था, तो डायरेक्टली सम तो निकल नहीं सकता, हमें पता नहीं था कैसे निकलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक एपी का कंसेप्ट यूज किया। अगर आपको एपी का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं समझ आया, आप बैक चले जाओ, उस वीडियो में देखो, मैंने बहुत डिटेल में बताया है कैसे क्या करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना था हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे ए वन मिला, डी टू मिली, और एल यहाँ पे क्या था, ये एल था हमारा। फिर हमने क्या किया कि इसका सम निकालने की कोशिश की, इसका सम होता क्या है, इसका जो सम होता मतलब अगर रैंडम रहे कि ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एल, अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वन टू लेके एल, मतलब यहाँ एल लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा, एन, तो ये क्या हो जाएगी, एन बाई टू ए वन प्लस ए एन, यही इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये कैसे आएगी वहां पे आप चेक कर लेना, तो यहाँ पे क्या होगी एन बाई टू, क्योंकि यहाँ पे एन टर्म्स तक है, ये ए है, ए क्या है यहाँ पे वन, एल, एल क्या है यहाँ पे ये आप सोच रहे होगे कि ये एन टर्म्स कैसे है, तो ए वन क्या है
जो जनरल टर्म होती है ए एन टर्म, उसे हम लिखते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे, ए वन है, तो यहां से हमें जनरल टर्म मिल जाती है। तो हमें ए एन की वैल्यू पता है टू एन माइनस वन, ए वन क्या है हमारे पास वन, एन माइनस वन और डी कितनी है हमारे पास टू। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, सॉरी हमें एन की वैल्यू चाहिए तो यहां पे हम सम के ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स निकल जाएगी कि कितनी है यहाँ पे ए के, kth टर्म निकाल रहे हैं, तो ये कितने टर्म्स पे है वो k की वैल्यू में पता चल जाएगी। तो 2n माइनस वन, इसको भी इधर ले आऊंगी तो 2n माइनस टू इक्वल्स टू k माइनस वन इंटू टू, टू कॉमन ले लूंगी तो n माइनस वन इंटू इक्वल्स टू k माइनस वन इंटू टू, टू टू कट गई तो n की वैल्यू क्या आ गई k, मतलब हमारी जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म n हो गए। इसीलिए फिर हमने यहाँ पे सॉल्व किया पुट करके, लास्ट में n स्क्वायर हमारी वैल्यू आ गई। अब दोबारा देख लो अगर समझ नहीं आ रहा है रिवर्स करके, या फिर आप उसमें जाके पहले एपी के कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये सो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, हमें एक फंक्शन दी गई है और जिसकी वैल्यू कैसी है ऐसी, तो हमें दिखानी है कि f ऑफ इतनी जो होगी वो टू टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले फंक्शन थोड़ा समझ लेते हैं कि सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू दी गई है एक्स स्क्वायर, इसके मतलब क्या है, ये कोई मैं रैंडम फंक्शन उठाई हूँ, ठीक है, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो अगर मैं यहाँ पे वन पुट कर दू, फंक्शन मतलब क्या होती है ना, हमें सारे पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एफ ऑफ वन अगर निकालूंगी तो वन, एफ ऑफ टू निकालूंगी तो फोर, टू स्क्वायर होगी यानी कि फोर हो जाएगी। इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू हो तो हम लोग इजिली उसका वैल्यूज निकाल सकते हैं, हमें फंक्शन ये देती है। अब यहाँ पे अगर निकालनी है तो एफ ऑफ अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ वन पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, सॉरी वन नहीं पुट कर सकते, टू पुट कर देंगे, चलो वन पे ये जीरो आ जाएगी नीचे, फिर जीरो से डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे टू पुट कर देते हैं, मतलब क्या आ जाएगी लॉग ऑफ वन प्लस टू थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन, मतलब लॉग ऑफ माइनस थ्री आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू चाहे तो यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं, फंक्शन से ये फायदा होता है। तो अब यहाँ पे x है, हमें निकालना किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू। तो अगर मैं x के जगह पे ये पुट कर दू तो हमारी काम आसान हो जाएगी, हमें हर एक x के जगह पे क्या पुट करनी है, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ निकालते हैं 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी log 1 प्लस x के जगह पे क्या पुट करना है, ये पुट करना है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगी log, एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको लॉग लिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको देखने से कुछ याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा होगा, है क्या ये चीज, अगर मैं x प्लस वन की होल स्क्वायर को तोड़ू तो क्या आती है, x की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स 1, तो यानी इसको क्या लिखेंगे 2x, इसको क्या लिखेंगे 1। अब देखो इसको और इसको है ना सेम चीज, तो क्या हो जाएगी ये x प्लस वन की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करूंगी, ये रिवर्स हो जाएगी, अगर इसको तोड़ूंगी तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसको भी देखिए कुछ याद आ रहा होगा, अगर मैं इसको x माइनस वन या ऐसे कर दू, अगर मैं इसको 1 माइनस एक्स लिख दू तो क्या आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देख लो ये चीज है, तो बदले में आ गया लिखा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब ये और ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास log x प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है log x की पावर n होती है तो 2 बाहर आ जाता है, इसको लिख सकते हैं हम 2 log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स,
क्योंकि x प्लस वन लिखो या वन प्लस एक्स लिखो फर्क नहीं पड़ता है। माइनस में हम लोग वन माइनस एक्स को एक्स माइनस वन नहीं लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स कभी भी इक्वल एक्स माइनस वन का नहीं होगा। एक्स की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू अगर टू पुट कर दी तो क्या आएगी यहाँ पे, वन माइनस टू यानी कि माइनस वन, और यहाँ पे अगर टू पुट कर दी तो टू माइनस वन यानी कि वन, ये दोनों इक्वल है नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ये आ गई, अब इसको क्या लिख देंगे, टू लॉग वन प्लस एक्स बाय वन माइनस एक्स। अब ये क्या है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए और इससे थोड़ा सा ध्यान से मिलाइए, आ गई सेम, मतलब ये लिख सकते हैं इसके बदले में, तो क्या लिख दिया हम, टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमें यही प्रूफ करनी थी, प्रूफ करनी थी कि एफ ऑफ इतना टू टाइम्स ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए, और हमने वो प्रूफ बहुत इजीली कर दिया। अगर इसका फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछिए, लेट मी आस्क इन द कमेंट, आई ट्राई टू इम्प्रूव इट और ट्राई टू अंडर मेक यू अंडरस्टैंड। ओके सो गाइज, आई होप यू रियली लाइक द वीडियोज एंड द एग्जाम्पल्स दैट आई सॉल्व। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न लॉगरिथम इन अ मोर ब्रॉड वे, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सीखना है और इनफैक्ट यू वॉन्ट टू लर्न लॉगरिथम टिल IIT लेवल और आपको IIT तक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम के अगर कंसेप्ट चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मेल योर नेम एंड योर फोन नंबर टू दिस ईमेल आईडी। gmail.com risha0222education@gmail.com इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अपना जस्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एंड इट्स जस्ट 100 रुपीज, जस्ट 100 रुपीज में आपको पूरे लॉगरिथम की सीरीज मिल जाएंगे। आपको क्या क्या मिलेंगे उसमें, उसमें आपको लॉगरिथम के बेसिक्स मिलेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसके बाद आपको लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सब लेवल्स में सारे ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं, और इसके बाद आपको एक सेल्फ असेसमेंट सीरीज भी मिलती है, सेल्फ असेसमेंट, ये सब आपके नंबर पे मैं सेंड कर दूंगी, जिसमें से ये और ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके इसको देख सकते हैं, एंड इसको देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं यू आर रियली गेटिंग इंटरेस्टेड इन टू लॉगरिथम एंड आई होप कि आपको वो बहुत अच्छा लगेगा, तो जस्ट इन 100 रुपीज यू विल गेट ऑल दिस फोर थिंग्स, और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें इन तीनों को कॉम्प्राइज करके, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व है, मोर देन 50 अप्रोक्सीमेटली, और सेल्फ असेसमेंट में आपको यू विल गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ वेदर यू हैव लर्न properly these things or not, and if you have any doubts, इसमें आपको questions मिलेंगे, solutions मिलेंगे, you'll get everything in that. So hope you like this video. Thanks for watching it and do subscribe to my channel.